दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में से बहुत कुछ गायब है। गायब हो सकता है ये सूची जो मैंने तैयार की वो आपको भी थोड़ी सी हैरानी दे, परेशानी दे, झंझोड़ दे। और इस सूची में क्या क्या है इसे जानने के लिए ये ध्यान से सुने। कल मंदिर की सीढ़ी पर गजब हो गया, चप्पल तो जगह पर थी पर ईमान गुम हो गया। हृदय में विचारा और टटोला पर ईमान नहीं मिला। गुम जरूर कहीं और हुआ होगा पर जब जरूरत महसूस हुई तब पता चला वह तो अपनी जगह पर है ही नहीं। फिर सोचा और चीजें भी देखी जाए कि वो है या गुम गई। मैं हैरान हो गया जब मालूम हुआ कि भोजन में से स्वाद गायब है, आंखों में से दृष्टि गायब है, समाचारों में से सच्चाई गायब है, बाजार में से विश्वास गायब है, संबंधों में से भरोसा गायब है, थिएटर में से दर्शक गायब है, फिल्म में से कहानी गायब है, थाना है पर वहां से कानून गायब है, अदालत में से न्याय गायब है, धर्म में से आस्था गायब है, रिश्ते में से व्यवहार गायब है, कॉलोनी में पड़ोस गायब है, मकान में से आंगन गायब है, प्रवचन में से आध्यात्म गायब है, स्पर्श में से सनसनाहट गायब है, प्रेम में से उत्तेजना गायब है, मोहब्बत में से इंतजार गायब है, बुजुर्गों में से बर्दाश्त गायब है, युवाओं में से धैर्य गायब है। मैंने गुम सामानों की सूची बनाई और बढ़ता चला गया। मेरे गुमशुदा सामानों में तो सूची लगातार लंबी होती जा रही है। मैं क्या करूं? अभी मुझे एहसास हुआ कि जिन चीजों को मैं देख रहा था कि वे है या फिर मेरी आंखों का धोखा था। वहां सिर्फ डब्बा था, उसमें सामान नहीं था, छिलके थे, उसमें फल नहीं था, शिक्षा में से ज्ञान गायब था, लोरी में से नींद गायब था, नींद में से ख्वाब गायब, बिस्तर में से आराम गायब, तसव्वुर में से रुमानियत गायब, बजट में से पत्रिकाएं गायब है, साहित्य में से मौलिकता गायब है, जीवन में से साहित्य गायब है। मैं परिचित से मिलने गया तो चौंक गया, उसका मकान वही था, कमरे वही थे, लोग वही थे, लेकिन उस मकान में से घर गायब था। दरवाजे बंद है फिर भी चीजें गायब हो रही है, दरवाजे के भीतर भी लोग डरे हुए हैं। नकाब है पर हया गायब है, आंखों में से शर्म गायब है, होठों पर से मुस्कान, खिलखिलाहट और ठहाके गायब है, पतलून की लंबाई गायब है, इरादों में से जिद गायब है, जिद में से संघर्ष गायब है, स्पर्धा में से खेल गायब है, दौलत है पर दान नहीं है, एल्बम है पर यादें नहीं है, परिवार में से खानदान गायब है, कुटुंब है पर परंपरा लुप्त है, भाषण में से मकसद गायब है, वक्त में से सदुपयोग गायब है। क्या मुझे गुमशुदा की तलाश का इश्तेहार देना चाहिए? इश्तेहार की कोई गंभीरता बची भी है? गुमशुदा की रिपोर्ट लिखते ही क्या अमला उसे ढूंढने के लिए सक्रिय हो जाएगा? रेडियो में से आकाशवाणी गायब है, हाथ में मोबाइल की सुविधा है पर उसका सही उपयोग गायब है, जीवन में से नियम, सिद्धांत, अनुशासन गायब है, शरीर में खोपड़ी तो है पर भेजा गायब है। इतनी गुम चीजों को ढूंढकर उनकी जगह पर रखना ही अब असली मकसद होना चाहिए। हम सब जो विवेक बुद्धि वाले कहलाते हैं, हम सभी जन जो इस विचार को गंभीरता से समझ पाए, उन्हें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। उठिए, ठानिए और चलिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद।